नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज की 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या है लेटेस्ट न्यूज आज के आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर में फेल अभ्यर्थियों का सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन और 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को किया यहाँ पर बुलंद। वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा निकाली गई 29,334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती में रिक्त रहे पदों को भरने की अभ्यर्थियों ने उठाई मांग। बड़ी संख्या में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर किया प्रदर्शन। तो इस संबंध में क्या है लेटेस्ट न्यूज आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को, आइए देखते हैं। दोस्तों अब आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है लेटेस्ट न्यूज। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए बुलंद की आवाज़। तो सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय पर बीटीसी चौथे सेमेस्टर में फेल प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं सचिव परीक्षा नियामक की ओर से हाल ही में घोषित बीटीसी चौथे सेमेस्टर के परिणाम में फेल हुए परीक्षार्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की है। इन परीक्षार्थियों का आरोप है कि डाइट की ओर से हुए गलत मूल्यांकन के चलते चौथे सेमेस्टर में बड़ी संख्या में बीटीसी प्रशिक्षु फेल हो गए हैं और फेल अभ्यर्थियों का यहां पर कहना है कि उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर देने के साथ चौथे सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा तत्काल कराने की मांग की है यहां पर। और अपनी मांग को लेकर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने डीएम कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशिक्षुओं ने आवेदन का मौका देने के साथ चौथे सेमेस्टर का तत्काल बैक पेपर की परीक्षा पूरे कराने के बाद परिणाम घोषित किए जाएँ। इससे पहले बीटीसी चौथे सेमेस्टर में परीक्षार्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम तत्काल घोषित करने की मांग की थी। अब परिणाम घोषित करने के बाद बीटीसी चौथे सेमेस्टर में फेल प्रशिक्षुओं ने नई मांग शुरू हो गई है यहाँ पर। और बीटीसी प्रशिक्षुओं की नई मांग के बाद सचिव परीक्षा नियामक ने इसे किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती में बीटीसी में फेल प्रशिक्षुओं को मौका देना संभव नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध करते हुए बीटीसी प्रशिक्षु ये ठीक है। तो खाली शिक्षकों के पद भरने की मांग के संबंध में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज परिषदीय विद्यालयों में जुलाई 2013 में दोस्तों जो जुलाई 2013 में जो 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक खाली पदों को भरने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि 29,334 शिक्षकों की भर्ती में 2,242 पद रिक्त हैं और इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जाए। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 6 दिसंबर को प्रदेश के महाधिवक्ता ने कोर्ट में स्वीकार किया था कि 29,334 विज्ञान गणित शिक्षकों में भर्ती 2,242 पद खाली हैं और इन पदों को 6 सप्ताह में भरा जाएगा। तो महाधिवक्ता के आश्वासन के बाद अब इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट में सिर्फ इतना ही। जैसे इसके संबंध में कोई अदर इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।